की स्थिति बनी हुई है, यूपी एमपी की बात करें या राजधानी दिल्ली की बात करें, अलग अलग जगहों से लगातार स्थितियां खराब होती आ रही हैं। ऐसे में तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां की स्थितियों का जायजा देंगे। हमारे साथ कमल कुमार दिल्ली से जुड़ेंगे, रामगोपाल वर्मा संवाददाता लक्सर, गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर, इसके अलावा रोहित मिश्रा संवाददाता रायपुर से भी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले कमल आपके पास आएंगे, राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो माना जा रहा था कि राजधानी दिल्ली में यदि बारिश इसी तरह जारी रहती है तो 121 सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। क्या कुछ आज की स्थिति बनी हुई है राजधानी में? देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार जो है मौसम बना हुआ है और बारिश भी लगातार होती है, लेकिन जिस तरीके का येलो अलर्ट जारी हुआ है, अगर आने वाले कुछ समय में अगर बारिश होती है तो ये बिल्कुल तय है कि 121 साल का जो है बारिश का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अगर अभी बात करें तो लगभग 56 सालों का जो है रिकॉर्ड टूट चुका है। देखिये, बारिश तो हो रही है, लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है, लेकिन अगर बात करें लोगों के आवागमन की, लोगों पर आने जाने की कार्य शैली पर बारिश का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो इधर उधर डिपार्टमेंट है और जो एक्टिविटी डिपार्टमेंट है, इनके हाथ जो है खुले नजर आते हैं और इनके जो तमाम जो दावे हैं इनकी पोल खुलती नजर आती है। जब इलेक्शन का समय आता है तो बड़े लुभावने लालच दिए जाते हैं, साथ ही साथ लोगों को बताया जाता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस परेशानी से निजात दिलाएंगे, लेकिन जब धरातल पे इसकी बात होती है, जब बारिश होती है तो कुछ घंटे की ही बारिश में दिल्ली जो है जलमग्न हो जाती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब भी है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड जो है कायम होता जा रहा है। अगर आने वाले कुछ दिनों में लगातार बारिश होती है तो 121 साल का रिकॉर्ड जरूर टूट जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ रोहित भी बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। रोहित, छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जिस तरह से बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में लोगों को जीने में दिक्कतें आ रही थी, शासन के द्वारा भी तमाम डिमांड की जा रही थी, लेकिन मौजूदा जो राहत सामग्री है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। आज की यदि स्थिति की बात करें तो अगले 3 दिनों तक एक बार फिर से मौसम विभाग के द्वारा अब जब चेतावनी जारी की गई है तो क्या कुछ हालात बने और क्या कुछ सुविधाओं को लेकर इंतजाम किए गए वहां पर? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी तक 1100 करीबन औसतन बारिश हो चुकी है, जो कि औसतन की तुलना में लगभग बराबर है। वहीं बात करें ग्रामीण इलाकों की और क्षेत्रों की तो वहां पे स्थितियां, कुछ दिनों पहले हमने देखे कि राजधानी में एकाएक तेज बारिश हुई, जिसका स्थिति चिंताजनक बन चुकी थी, जहां जिला प्रशासन की तैयारी की गई थी और उसके साथ ही कुछ निजात पाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति चिंताजनक है। राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो राजधानी रायपुर में तो है स्थिति बहुत भयानक दिखी थी कुछ दिनों की बारिश में। महज 2 से 3 घंटे की बारिश में राजधानी की सड़कों पर घुटने से ऊपर तक का पानी भर चुका था। बात की जाए सिस्टम की तो सिस्टम पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है, क्योंकि महज 2-3 घंटे में अगर रोडों पर औसतन घुटने से ऊपर पानी आता तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करता है, नगर निगम पर भी सवाल खड़ा करता है और सरकारी अफसरों पर भी सवाल करता है। ऐसा पूर्व तैयारी ना किया जाना कहीं ना कहीं इस पर बहुत दिक्कत वाली बात है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार गणेश भी बने हुए इंदौर से। गणेश, इंदौर एमपी की बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मैदानी इलाकों में खासतौर से नगर निगम की ऐसी स्थितियों में पोल खुलती हुई नजर आती है और ऐसे में लाख दावे कर लिए जाएं कि स्थितियां मानसून से पहले ठीक की जाती हैं, लेकिन जरा सी बारिश होते ही तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने जो है एक बार फिर अलर्ट मोड पर है और मौसम एक बार फिर बारिश का मौसम बन चुका है। मध्य प्रदेश के अगर कई हिस्सों की बात करें तो जहां मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे से अगर बात करें तो येलो अलर्ट और साथ ही भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। अगर भिंड, मुरैना, ग्वालियर की बात करें तो इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो एक बार फिर यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, लोगों को सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। क्योंकि इसके पहले की अगर बात करें सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में इसके पहले भी जो है भारी बारिश की वजह से ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में काफी ज्यादा वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी थी, जहां पर देखा गया था कि 1200 गांव करीब बाढ़ की चपेट में आ गए थे, काफी लोगों का जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। कई लोगों के जो उनके घर थे, स्वयं के घर थे, वो भी तबाह हो चुके थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थी। साथ ही अगर नगर निगम प्रशासन की बात करें तो देखिए, प्रशासन और नगर निगम लाख दावे करता है और लोगों को तमाम सुविधाएं देने की बात करता है, राहत देने की बात करता है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई देती है और अव्यवस्था ही दिखाई देती है। प्रशासन या नगर निगम की टीमें जहां लाख दावे करती है, तमाम लोगों को राहत देने की बात करती है और बाढ़ से पहले जो
जल भराव होता है, उन तमाम जल भराव की निकाय की भी बात करती है, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को सामने नहीं आती है। और जब भयावह स्थिति बन जाती है उसके बाद ही नगर निगम और प्रशासन एक्टिव नजर आता है। तो एक बार ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मानसून एक बार फिर मध्य प्रदेश में एक्टिव हो चुका है और भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, तो अब नगर निगम किस तरह से अलर्ट होता है या किस तरह से व्यवस्था कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चुका है, लगातार हम बारिश को लेकर जानकारी ले रहे हैं। तमाम राज्यों में, यूपीएमपी समेत 9 राज्यों में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी